टीवी एक्ट्रेस अनघा बोसले ने टीवी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला ले लिया है। अनुपमा एक्ट्रेस ने ऐलान किया है कि अपनी जिंदगी में शांति की तलाश करना चाहती हैं और इस वजह से वह आध्यात्मिक की राह चुन रही हैं। बता दें कि हाल ही में अनघा बोसले ने रूपाली गांगुली के टीवी सीरियल अनुपमा को अलविदा कह दिया है और पिछले हफ्ते ही उनके ट्रैक को खत्म भी कर दिया गया। अब उनके खुलासे से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अपने इस फैसले पर बात करते हुए अनघा भोसले ने टीवी इंडस्ट्री के दोगलेपन से पर्दा उठाने की कोशिश की है। जी हां, बातचीत के दौरान अनुपमा एक्ट्रेस अनघा भोसले ने यह बात साफ की है कि वह इंडस्ट्री के दोगलेपन से परेशान है और इसी वजह से आध्यात्मिक की राह चुन रही है। एक्ट्रेस का कहना है, इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग सच्चे नहीं है, यहाँ का दोगलापन देख चुकी हूँ। हर वक्त आप पर एक ऐसा शख्स बनने का प्रेशर होता है जो आप होते ही नहीं हो। हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का दबाव भी महसूस करती हूँ। इतना कंपटीशन है कि लोग एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सारी नकारात्मक चीजों को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक की राह चुन रही हूँ ताकि मेरी जिंदगी में शांति आए। और इसी पर उनके को एक्टर पारस कलनावत का भी रिएक्शन आ चुका है। जी हाँ, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया, मुझे तो अनघा के साथ शूटिंग करने की आदत हो गई थी, हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और मैं उसे काफ़ी मिस करूंगा। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर वह एक्टिंग को लेकर पैशनेट हैं तो इंडस्ट्री में यकीनन वापस आएंगी। मैं आशा करता हूँ कि शो में उसकी वापसी जल्दी हो। आप सभी का क्या कुछ रिएक्शन है अनघा की बातों पर, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और देखते रहिए फीफा फूस टीवी इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।